पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। कोई मेरे सामने कितना मर्जी कह दे, कितने मर्जी प्रूफ, कितने मर्जी सबूत ले आए कि राजवीर की गलती है, फिर भी मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और जो चीज मुझे सबसे बुरी लग रही है ना, वो ये है कि राजवीर को लॉकअप पे पहुंचाने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। शौर्य मेरा दूसरा बेटा, बेटा मानती हूँ ना मैं उसे। उसे निधि ने इतना भड़काया, इतना जहर राजवीर के खिलाफ उसके दिमाग में डाला कि उसने राजवीर को सलाखों के पीछे भेज दिया। मतलब कि मेरे एक बेटे ने दूसरे बेटे की ये हालत कर दी। मैं अभी लूथरा हाउस से आ रही हूँ, तुझे बताया मैंने शौर्य से कितनी रिक्वेस्ट करी, प्यार से बात करी, हक से बात करी, गुस्से से बात करी, मैंने उसे कितना कहा कि चल के राजवीर को छुड़वा ले, लेकिन एक बार भी वो नहीं माना। माना नहीं, ऊपर से बदतमीजी से बात करने लगा, तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। प्रीता जी, अगर आपकी जगह मैं होती ना, तो एक नहीं न जाने कितने थप्पड़ मारती होती, और बहुत जोर से मारती, और उसके बाद मुझे गिल्ट भी नहीं होता। नहीं, बल्कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, अपने ही हाथों से उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन प्रीता जी, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने काम ही ऐसा किया था, वो थप्पड़ खाने का ही लायक था। अगर वो मेरा थप्पड़ खाने के लायक था, तो उसे थप्पड़ मार के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बल्कि क्योंकि प्रीता जी, आप उसे अपना बेटा मानती है, एक माँ की तरह प्यार करती है, और एक माँ अपने बेटे की गलती पे उसे थप्पड़ क्यों ना मारे? आपने बिल्कुल सही किया है। लेकिन हाँ, इसे थप्पड़ मारने के बाद कोई भी माँ को बुरा लगता है, लगता है कि क्यों थप्पड़ मारा, इसलिए आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। एनीवे प्रीता जी, आप लॉयर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? वो भी नहीं माना, बल्कि केस लेने से मना कर दिया। लॉयर नहीं मान रहा है, शौर्य नहीं मान रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो आपने दोबारा करण सर को फोन में ट्राई किया था, बात हुई? किया है, कितनी बार किया है, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। लेते ना सामने, एक बार और करती हूँ। आप ट्राई कीजिए एक बार। अब फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर, ये आपका रूम। थैंक यू। सर, और कुछ चाहिए होगा तो बताइए। श्योर। थैंक यू सर। Congratulations, Mr. Sangaria. You get the project. Thank you so much. हमें वो डील नहीं मिली, and that's just because of Rajveer. देखो करण, ये लाइफ है, और लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल होती है ना, जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होता, और जो सोचा नहीं है वो हो जाता है कई बार। अब जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो लगे ही रहता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।